हेलो स्टूडेंट्स, SV एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फोर्थ हिंदी मीडियम सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर हम लेसन फाइव है, इसको हमने आधा पढ़ लिया था। पेज नंबर 25 पे यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। लेसन का नाम है दशहरा। दशहरा एक त्यौहार है, इसे हम भारतवासी सभी मिलजुल कर मनाते हैं। दशहरे से पहले 9 दिन तक रामलीलाएं भी होती है। 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। ये रावण के ऊपर, रावण एक पापी राजा था जिस पर राजा राम ने विजय हासिल की थी 10वीं के दिन, इसीलिए ये दशहरा विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। आगे हम इस पाठ को आज पूरा पढ़ेंगे। हमारे देश में रामलीला यानी राम की लीला, जो राम ने बचपन में लीलाएं की थी, रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े शहरों नगरों के अतिरिक्त, यानी छोटे बड़े शहरों में नगरों में, इसके अलावा गाँव में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं, यानी रामलीलाएं मनाई जाती हैं शहरों में भी, नगरों में भी और गांव में भी। बड़े उत्साह से लोग रामलीला मनाते हैं। बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है, यानी बड़े बड़े जो शहर हैं वहां पर रामलीला करने वाली मंडलियां होती है जो रामलीलाएं करती हैं। गांवों में वहां के लोग स्वयं, यानी जो गांव में लोग रहते हैं, वो खुद अभिनेता बनकर रामलीला करते हैं। यानी जो गांव के लोग हैं वो अपने आप, कोई मन करता है वही अपना अभिनय कर लेता है। मंडलियों में तो उनके मंडल के जो सदस्य हैं, मंडली के जो सदस्य हैं वही लीला करते हैं, लेकिन गांव में कोई भी किसी को अभिनेता बना दिया जाता है और वो अपनी ये रामलीला दिखाता है। रामलीला का प्रदर्शन प्रायः तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस, तुलसीदास जी द्वारा ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है रामचरितमानस, के आधार पर होता है। यानी जो रामलीला का आयोजन होता है, प्रदर्शन करते हैं रामलीला का, वो किस रामचरित जो मानस है, किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, उसके ऊपर आधारित है रामलीला। राम जन्म सीता स्वयंवर, ये जो उसमें रामलीला में होते हैं आयोजन, वो है राम का जन्म दिखाते हैं, सीता स्वयंवर दिखाते हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हुआ था वो दिखाया जाता है, सीता हरण यानी रावण आया और सीता को हर के लेके गया था उसका भी संवाद दिखाते हैं, हनुमान द्वारा लंका दहन, हनुमान कैसे लंका का दहन करके आए थे वो भी रामलीला में दिखाया जाता है, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध रामलीला के। अब हम पेज नंबर 26 पे आएंगे। आकर्षक प्रसंग होते हैं, यानी इसमें ये सारे प्रसंग दिखाए जाते हैं, राम जन्म से लेके लंका दहन, रावण वध, ये सारे दिखाए जाते हैं रामलीला के अंदर। रामलीला के दिनों की चहल पहल, यानी जो गांव के लोग हैं चाहे शहरों में हैं, सभी जगह चहल पहल देखने लायक होती है।
रामलीला के जो दिनों में लोग रात के टाइम इधर उधर ज़्यादा आना जाना लगा रहता है लोगों का, देर रात तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। जो दर्शक देखने वाले लोग हैं वो देर रात तक इधर उधर चहल पहल करते रहते हैं। विजयादशमी को मेला लगता है। जब जिस दिन विजयादशमी होती है, विजयादशमी यानी दशहरा, दशमी के दिन विजय प्राप्त की थी ना, इसीलिए उसे विजयादशमी भी कहते हैं। विजयादशमी को मेला लगता है। दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाक पहने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते दिखाई देते हैं। कौन से मेले में? जो विजयादशमी के दिन मेला लगता है उसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान यानी सभी लोग रंग बिरंगी पोशाकें पहने जाते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है, यानी चहल पहल ज़्यादा हो जाती है बाज़ार में। कुछ दुकानों पर मिठाइयों की दुकानें भी लगती हैं, तो उस दिन रौनक बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले, डोलर सज जाते हैं, यानी झूले बहुत लगते हैं। मेला लगेगा तो झूले लगेंगे ही, इस बार तो लगता नहीं क्योंकि इस बार कोरोना काल है। वैसे हर साल ये मेले लगते हैं, विजयादशमी को मेला ज़रूर लगता है। जहाँ विजयादशमी का मेला लगता है वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को स्थापित किया जाता है। जहाँ पर विजयादशमी का मेला लगता है वहीं पर एक तरफ लंका नगरी का परकोटा तथा रावण, एक साइड में लंका नगरी बनाई जाती है जहाँ पर सीता को रखा जाता है, और एक साइड में रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ इन दोनों के भी पुतले जलाए जाते हैं। तो इन दोनों के तीनों के पुतले स्थापित किए जाते हैं। रावण का स्वरूप, जो रावण का रूप है वो विशाल और विकराल होता है। रावण जो है इन तीनों में सबसे बड़ा दिखाते हैं। पुतला जो है रावण का बहुत बड़ा बनाया जाता है। पुतला बनाने में लकड़ियाँ, बांस की खपचियाँ यानी बांस के टुकड़े, पतले पतले टुकड़े लंबे, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। पुतला जो बनाते हैं रावण का उसके अंदर पटाखे भी डालते हैं, और बांस की जो खपचियाँ हैं, पतली पतली डंडियाँ, वो भी उसमें डालकर रंग बिरंगे कागज लगाकर फिर पुतला तैयार किया जाता है। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियां सजी होती हैं। कई जगह लोग क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं और उसमें इन सब की झांकियां, राम, लक्ष्मण, हनुमान सभी की झांकियां, इनको सबको तैयार करके बिठाया जाता है। यह जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। कौन से मैदान में? जहां पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले लगाए होते हैं वहां पर ये जुलूस सारा पहुंचता है। सूर्यास्त के समय राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतलों को तथा लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के पुतले को जलाया जाता है। राम तो है सूर्यास्त के समय, जब सूरज छिपता है, जब सूरज अस्त होता है यानी अपने छिपता है, तब राम द्वारा रावण और कुंभकर्ण के पुतला राम द्वारा जलाया जाता है, और लक्ष्मण जो है वो मेघनाथ के पुतले को जलाता है। ये पुतले धूम धूम करके जलने लगते हैं। इसमें भरे पटाखे छूटने लगते हैं, यानी जब पटाखे आग लगेगी तो पटाखे तो बजेंगे ही। इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त
करते हैं। इस प्रकार यह त्यौहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है, वरन आने वाली पीढ़ियां भी उनके कुकृत्य यानी बुरे कर्मों, कुकृत्य क्या होते हैं, बुरे कर्म, बुरे कर्मों को कभी क्षमा नहीं करती। यानी किस टाइम ये घटना हुई है, राम और रावण का युद्ध कब हुआ है, लेकिन उसको अभी भी लोग मनाते आ रहे हैं। विजयादशमी मानव जाति का विजय पर्व है। कितने सालों के बाद भी कुकृत्य जो है, रावण के बुरे कर्म, उसको अभी भी उसका दहन करते हैं, सभी लोग मिलके उसका दहन ही करते हैं। तो जो इंसान के बुरे कर्म हैं वो उसका कभी पीछा नहीं छोड़ रहे। अब हम आगे पेज नंबर 27 देखते हैं। देखो ये 27 नंबर पेज पे शब्दार्थ आपने पिछले वीडियो में करने के लिए दिए थे, आशा करती हूँ ये कार्य आपने अपनी कॉपी में कर लिया होगा। साफ सुंदर हैंडराइटिंग में नए पेज से आपने ये काम किया होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में उचित शब्द चुनकर करें, ये भी मैंने आपको करवाए थे। अगर आपने कर लिए तो ठीक है, नहीं किए तो इनको आज कर लेना। दशहरे से पहले 9 दिनों को क्या कहते हैं, नवरात्र कहते हैं। तो आपने यहाँ पे अपना इसको खालिस्तान भरना है, कॉपी में ये काम करना है। राजा इंद्र ने खालिस्तान नाम के दैत्य को हराया था, कौन से, वृत्तासुर। दैत्य का नाम था वृत्तासुर। से देखो इस दिन खालिस्तान पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है, कौन से पक्षी को, नीलकंठ। नीलकंठ जो पक्षी है उसका दर्शन जो है शुभ माना जाता है, कि उसको देख लें तो बहुत अच्छा निकलता है। अब ये खालिस्तान आपने अपनी कॉपी में साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं। अब ये प्रश्न है, देखो नवरात्र के बाद 10वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ये भी मैंने पीछे बताया था। इसका उत्तर क्या आएगा, 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। तो इसके उत्तर आप इसको पहले प्रश्न लिखोगे कॉपी के अंदर, एक लाइन छोड़ के उत्तर लिखोगे तो उसमें लिखोगे दशहरा, कौन सा त्यौहार, दशहरा मनाया जाता है। इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, कौन से वृक्ष की, शमी वृक्ष की, कौन सा वृक्ष, शमी वृक्ष, जिसको क्या कहते हैं, खेजड़ी का पेड़। अब ये देखो ये आपने आज करने, अगर कर लिए तो ठीक है, नहीं किए तो ये आपने आज का काम करना है। अब अगले पेज को देखो। अब ये देखो प्रश्न संख्या 2, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। क्या देखो, दशहरा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताओ, कार्तिक मास में, नहीं, श्रावण में, नहीं, आश्विन मास में मनाया जाता है ना। तो आपने ये कै प्रश्न लिख के और इस उत्तर को उसके नीचे लिखना है, उत्तर लगा के, और आश्विन माह में मनाया जाता है ये लिखना है, चारों ऑप्शन नहीं लिखने। खै प्रश्न देखो, शस्त्र पूजा होती है, किस दिन शस्त्र पूजा होती है बताओ, दशहरे के दिन, दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती है। अब ये देखो भाषा की बात,
पाठ में न्याय शब्द आया है, इसमें ए जोड़कर अन्याय शब्द बनता है। आप भी नीचे लिखे शब्दों में ए जोड़कर नए शब्द लिखें। सत्य का असत्य, सत्य का क्या बन जाएगा? असत्य। धर्म का अधर्म, धर्म का अधर्म। प्रसन्न का अप्रसन्न, प्रसन्न का अप्रसन्न। अब यहाँ पे देखो, पाठ में राजा तथा देवता जैसे शब्द आए हैं। राजा तथा देवता शब्द दोनों ही पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखें। राजा का रानी, शेर का शेरनी, शेर का शेरनी, देवता का देवी, देवता का देवी, पिता का माता, पिता का माता। अब आपने अपनी कॉपी में जो दो प्रश्न ये ऊपर वाले करवाए हैं, पिछले 27 नंबर पेज के जो करवाए हैं, वो जो नहीं किए हुए आपके वो करने हैं। ये नंबर दो वाला क्वेश्चन करना है और भाषा की बात क्या, ये दो प्रश्न करवाए हैं, ये करने हैं। ये प्रश्न उत्तर आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। आपने ये अपना इतना गृह कार्य साफ सुंदर हैंडराइटिंग में बोल बोल कर भाषा की बात का और प्रश्न संख्या दो और पीछे जो पेज वाले यानी 27 नंबर पेज के जो आपने नहीं किए वो कार्य आपने अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।